नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रयास बाई विनोद में। दोस्तों, आज हम बताएंगे तुलसी के अचूक उपाय। दोस्तों, तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पाया जाने वाला वह औषधीय पौधा है जिसकी धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं भी बहुत सारी हैं। तो आइए बात करते हैं। तुलसी को जो जातक रविवार, संक्रांति या ग्रहण को छोड़कर नित्य सुबह जो जल चढ़ाता है और ओम तुलस्य नमः का जाप करता है, उस घर परिवार पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उसके पास पाप नष्ट होते हैं, वह संतान आज्ञाकारी होती है और उसके घर के सभी संकट दूर होते रहते हैं। तुलसी के पत्ते बहुत ही पवित्र माने जाते हैं दोस्तों। यह हमारे जल एवं भोजन को शुद्ध और पवित्र करते हैं। इसीलिए किसी भी सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय जल एवं भोजन में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद उस शव के मुख में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। मान्यता है कि इससे मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आपको लगता है कि लाख प्रयास के बाद भी आपका व्यापार उन्नत नहीं कर पा रहा है, तो आप किसी भी गुरुवार को श्यामा तुलसी के चारों ओर उगाई खरपतवार जो घास होती है उसको आप निमंत्रण देकर ले आएं और पीले वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार स्थल में किसी साफ जगह पर रख दें और सुबह शाम पूजन करें, तो इससे आपके व्यापार में गति आ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की संतान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, बड़ों का कहना न माने, तो उसे घर के पूर्व दिशा में रखे हुए तुलसी के पौधे की 3 पत्तियाँ, हाँ रविवार को छोड़कर, प्रतिदिन किसी भी तरह से अवश्य खिला दें। संतान का व्यवहार आपके सुधरने लगेगा इससे। अगर दोस्तों आप नए बने हुए मकान मतलब नवीन ग्रह में प्रवेश करना चाहते हैं, मतलब जिस दिन आपका ग्रह प्रवेश हो, तो सबसे पहले आप उस घर में तुलसी का पौधा, भगवान का चित्र, गौमूत्र, गंगा जल और पानी का कलश लेकर सबसे पहले अंदर प्रवेश करें। इससे घर में सदैव सुख शांति प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। जब भी आप कभी शुभ कार्य के लिए घर से निकलें, घर से निकलने से पूर्व तुलसी माता के दर्शन करना बहुत ही शुभ एवं सफलता की निशानी माना जाता है। तुलसी के पत्तों का नित्य सेवन करना बहुत ही पुण्यदायक वह लाभदायक माना जाता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, उसे दांतों के बीच चबाना नहीं, इसको सीधा मुंह में डालना है और निगल जाना है। इसी प्रकार तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने प्रिय चैनल प्रयास बाई विनोद को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।